First Choice Kids Wear रमजान स्पेशल ऑफर अप टू 40% डिस्काउंट के साथ एक लेटेस्ट कलेक्शन में हलीमा सुल्तान, शरारा पम्पलम, गाउन, बॉयज फुल सूट, वेस्टर्न आउटफिट और भी बेहतर सर्विस, प्रीमियम क्वालिटी, सबसे सस्ता और अच्छा। रमजान में आपकी फेवरेट शॉपिंग की चॉइस सिर्फ फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर। लॉकडाउन की वजह से दुकान बंद है, आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं। मेरे बेटा, आराम से भी बेटा। नब्बे फीट गहरे बोरवेल में गिरा 4 साल का मासूम बच्चा, देसी जुगाड़ के साथ बच्चे को निकाला गया बाहर। राजस्थान के गुजरात बॉर्डर से सटे जालौर जिले के संचौर लाछड़ी गांव में गुरुवार को नए खोदे गए एक बोरवेल में 4 साल का एक बच्चा गिर गया। करीब 90 फीट की गहराई तक खोदे गए इस बोरवेल में बच्चा खेल खेल में झांक रहा था और अंदर देखते समय इसी दौरान इस बच्चे का पांव फिसल गया और ये 90 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। SDRF की टीम के साथ गुजरात से NDRF की टीम और स्थानीय एक्सपर्ट ने 18 घंटे तक प्रयास किया और इन्हें सफलता भी हासिल हुई। आपको बता दें, जो 4 साल का मासूम बच्चा बोरवेल में गिरा था उसका नाम अनिल देवासी है। अनिल देवासी के बोरवेल में गिरते हुए पास में ही एक व्यक्ति ने देख लिया था, इसी कारण तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू किया गया और इत्तला देने पर प्रशासन व पुलिस, उपखंड अधिकारी भूपेंद्र यादव, तहसीलदार देवासराम, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ओम प्रकाश, पुलिस उपाधीक्षक वीरेंद्र सिंह, थाना अधिकारी प्रवीण आचार्य, सरपंच दिनेश राज पुरोहित मौके पर पहुंच गए। उन्होंने तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर व्यवस्था की और एक नली के माध्यम से बोरवेल में ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया। बोरवेल में एक कैमरा भी लगाया गया, बच्चा ऊपर से नज़र आ रहा था। रस्सी के जरिए बोतल से पानी पहुंचाई गई, जिसके बाद बच्चे ने पानी भी पिया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बच्चे को बोरवेल से सुरक्षित देसी जुगाड़ के जरिए निकाला गया है। माधाराम जी सुथार, कूका मेड़ा आदि के जुगाड़ से बच्चे को निकालने में कामयाबी हासिल हुई। बहरहाल 90 फीट बोरवेल से निकालने के बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां बच्चे की हालत स्थिर बताई जा रही है। फिर बेटा, आराम से भी बेटा। ये सभी के सामूहिक प्रयासों से और अनिल नाम के बच्चे को बाहर निकाला गया है और ये हम सभी के लिए बेहद खुशी की बात है कि बच्चा पूरी तरह सकुशल है, सुरक्षित है और अभी हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा दिया गया है। वहाँ पर डॉक्टर्स उसकी अभी देखभाल कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, उसके बाद में उसको जो आवश्यक ट्रीटमेंट है वो दिया जाएगा। बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है, ये हम सभी के लिए बहुत खुशी है। सर कितनी टीमें थी इस काम को? इसमें 3 NDRF की टीमें, एक गांधीनगर से आई हुई थी, एक वडोदरा से थी और एक अजमेर से आई हुई टीम थी, एक SDRF की टीम थी और लोकल विशेष रूप से प्रयास जो माधाराम नाम के व्यक्ति ने किया, बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा उनका, जिनकी मदद से हम इनको निकाल पाए।